उनकी पत्नी ने व्हाट्सएप पर उनको धमकी दी थी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनको जेल की चक्की पिसवाकर रहेंगी। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना हो चुका है और आजकल हमारे आपसी जो लेन देन की बातें होती हैं वो ज्यादातर व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर होती हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने वेस्ट बंगाल से पूछा है कि उनकी पत्नी ने व्हाट्सएप पर उनको धमकी दी थी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनको जेल की चक्की पिसवाकर रहेंगी। इसी तरह से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बार बार मुझे प्रश्न पूछते हैं कि क्या व्हाट्सएप कॉल की जो चैटिंग है उसको प्रयोग किया जा सकता है एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। इसी तरह से मेरे एक सब्सक्राइबर ने कनाडा से मुझसे पूछा है कि उनके और उनके एक मित्र के बीच में पैसे का लेन देन हुआ था, वो क्योंकि कनाडा में थे और उनका जो दोस्त था वो यहाँ पर दिल्ली में था, और उन दोनों के बाद बीच में जो भी बातचीत हुई उस सभी बातचीत के दौरान उनके दोस्त ने दिल्ली से हाँ की थी कि वो इस पैसे को 3 महीने के अंदर लौटा देंगे, और उनकी इस बात को बड़ा करते हुए मेरे सब्सक्राइबर ने कनाडा से उनको 5 लाख रुपया भेज दिया था। लेकिन 3 महीने के बाद उस दोस्त ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगा। इसी तरह के बहुत सारी चैटिंग होती है, व्हाट्सएप पर होती है, फेसबुक मैसेंजर पर होती है, या फेसबुक पर होती है या किसी और सोशल साइट पर होती है, तो उसको एज एन एविडेंस क्या हम कोर्ट में प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के इस पैंडेमिक के दौरान में लोग एक दूसरे के ऑफिस में जाने की बजाय इन सोशल साइट्स का सहारा लेते हैं ताकि उनकी जो आपस में बातचीत चल रही है वो आगे बढ़ सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाली हूँ कि इस तरह की अगर आपके पास चैटिंग की स्क्रीनशॉट रखी हुई हो तो क्या उस स्क्रीनशॉट को हम कोर्ट में एज एन एविडेंस यानी कि सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो हो सकता है कि ऐसी कोई जानकारी आप तक ना पहुंच पाए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के नए नए टॉपिक की वीडियोज की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जब भी दो लोगों के बीच में किसी भी चीज को लेकर के बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद वो जब सिरे पर चढ़ने लगती है तो एक पक्ष अगर उस सोशल साइट पर उसको हामी कर देता है और दूसरा पक्ष उसकी हामी को बड़ा करते हुए उस डील को आगे बढ़ा देता है, और इस बीच में कहीं पर भी वो पक्ष जिसने हामी भरी थी वो अचानक से पीछे हटने लगता है, तो वो दूसरा पक्ष उसको एज एन एविडेंस कैसे पेश कर सकता है? अब यहां पर पहुंचने से पहले आप सभी लोगों को ये जानना होगा कि हमारा एविडेंस एक्ट असल में कहता क्या है। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65A ये कहता है कि आपके पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है, चाहे वो किसी भी सोशल साइट पर ली गई चैटिंग क्यों ना हो, चाहे वो व्हाट्सएप की चैटिंग हो, फेसबुक की चैटिंग हो, इंस्टा की चैटिंग हो, टेलीग्राम पर ली गई चैटिंग हो, या इसी तरह की और किसी भी साइट सोशल साइट पर ली गई चैटिंग का हिस्सा ही क्यों ना हो, इसके साथ साथ अगर आप दो लोगों के बीच में कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रही है तो आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में जो जहां पर आपने सारा का सारा डाटा रखा हुआ है और उससे निकाला हुआ प्रिंट आउट ही क्यों ना हो, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं। अब समझते हैं कि ये एविडेंस कितनी तरह की हो सकती है। ये एविडेंस दो तरह की हो सकती है, पहला प्राइमरी एविडेंस
और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। आगे चलने से पहले ये समझते हैं कि प्राइमरी एविडेंस होती क्या है। अब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक यहां खड़ा हुआ है और एक यहां खड़ा हुआ है, और उन दोनों के बीच में बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हो गया। इन लोगों को लड़ाई झगड़ा करते हुए जितने लोगों ने आसपास देखा, जो गवाह वहां पर मौजूद थे, वो सारे के सारे हो गए आपके प्राइमरी एविडेंस। इसी तरह से अब समझते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। इस सेकेंडरी एविडेंस को आप कोर्ट में तब यूज करते हो जब आपके पास कोई भी प्राइमरी एविडेंस मौजूद नहीं होता है। आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल के जरिए आप बातचीत कर रहे हैं अपनी पत्नी से या अपने किसी साथी से, दोस्त से, और वहां पर आपकी द्वितीय पक्ष ने किसी भी तरह की आपको धमकी दी या इल्लीगल डिमांड आपके सामने रखी या किसी चीज के लिए उन्होंने हाँ किया ट्रांजेक्शन के लिए और बाद में वो मुकर जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल करके आप इसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। ये आपका सेकेंडरी एविडेंस है। लेकिन बहुत बार ये भी देखने में आया है कि जब आप इस स्क्रीनशॉट को कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत सारे मामलों में आपका केस इस एविडेंस के मौजूद होने के बाद भी खारिज हो जाया करता है। जानते हैं ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे सेक्शन 65A ये कहता है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउट एज एन एविडेंस आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी तरह से सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि आप जो भी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, उस प्रिंट आउट को जब आप कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके साथ आपको एक एफिडेविट, जिसको 65B में बताया गया है, उसको आप साथ में संलग्न करेंगे, तभी वो 65A का जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पढ़ा जाएगा। अगर वो बिना एफिडेविट के आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो उसको एविडेंस के तौर पर पढ़ा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और बात भी बहुत समझने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो प्रिंट आउट है, जो आपने 65B का एफिडेविट के साथ कोर्ट के अंदर लगा दिया, तो यहां पर आप निश्चिंत होकर के नहीं बैठ सकते। वो आपका सेकेंडरी एविडेंस है और जरूरत पड़ने पर कोर्ट आपसे कभी भी उस डिवाइस को मांग सकता है जहां से वो प्रिंट आउट निकला था। वो आपका फोन भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, तो उन सब चीजों को भी आपको संभाल करके रखने की जरूरत होती है। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस कोर्ट के अंदर लगा दिया, तो दूसरे पक्ष के वकील साहब कभी भी उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये कहीं पर भी सच्चा प्रतीत नजर नहीं आ रहा, और उसके अंदर पूरी पूरी संभावना है कि इस डॉक्यूमेंट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। ऐसा ऑब्जेक्शन आते ही आपसे कोर्ट मांग सकता है उस ओरिजिनल डिवाइस को, जिस डिवाइस के द्वारा ये प्रिंट आउट निकाला गया था, यानी कि वो प्रिंट आउट मशीन भी हो सकती है, वो फोन भी हो सकता है, वो लैपटॉप भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखना होता है, ताकि जरूरत आने पर आप कोर्ट को ये दिखा सको ये प्रिंटर है जिस प्रिंटर से इस प्रिंट आउट को निकाला गया है। आशा करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर दो पक्षों के बीच में कोई भी बातचीत चल रही है और उस बातचीत में किसी भी तरह की हामी भरी जाती है या कोई भी धमकी दी जाती है या किसी भी तरह का आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है उस चैटिंग के दौरान, तो उस चैटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के आप कोर्ट में जमा कर सकते हो। और इस प्रिंट आउट के साथ साथ आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के अनुसार एक एफिडेविट भी साथ में लगाना होता है, ताकि आपका ये जो प्रिंट आउट है उसको एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट पढ़ सके, देख सके और आपके फेवर में रिलीफ दे सके।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।